मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल मनीषा झांसी व्लॉग्स। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह से आज हम सभी लोग फिर से मिलने लगे। मैंने सोचा सुबह सुबह से मुलाकात कर ली जाए आप लोगों से। तो मैं बनाने जा रही हूँ जो डिश, वो आज मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। तो भिंडी तो आप सोच रहे होंगे कुछ तो अलग नहीं है, लेकिन आज मैं भिंडी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बनाने जा रही हूँ। पहले क्या होता है ना कि हम लोग सिंपल तरीके से बना लेते हैं, आज थोड़ा सा डिफरेंट मैंने बनाई, मुझे बहुत टेस्टी लगी। मैंने सोचा रेसिपी आप लोगों को भी बताती हूँ। तो देखिए कि क्या करना है भिंडी का। ये भिंडी है, इसको मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और बीच से मैंने इसको चीर भी दिया है। क्यों, आजकल ना अंदर से इससे दिख भी जाती है कि हाँ अंदर से भिंडी अच्छे से साफ है। इसको धो के, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और इसको इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ये पीसा है प्याज लहसुन और अदरक, तो मैं इसके मसाले को इसमें डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की भिंडी बन रही है। अभी तक क्या है कि पहले मसाला भून लेते हैं, फिर उसके बाद में उसमें डालते हैं, लेकिन आज मैं ये सारे मसाले इसमें कच्चे ही डालने वाली हूँ और उसके बाद इनको भुना जाएगा। तो देखिए आप लोग कि भिंडी कैसी बनकर तैयार होती है। ये प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसके बाद में क्या डलेगा इसमें वो भी दिखाती हूँ आपको। अब मैंने मसालदानी उठाई है और इसमें डालूंगी अब मैं एक छोटी चम्मच हल्दी, जो हमारे मसालदानी में छोटी चम्मच होती है ना उतना ही। मिर्ची, लाल मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। नमक तो आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना ही है। और दो चम्मच धनिया पाउडर, ये लीजिए, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें या तो अमचूर पाउडर और या फिर एक नींबू का रस। हम एक बड़ा नींबू लेंगे, ये देखिए, इसको हम इसमें डालेंगे। ऐसे हम डालते हैं तो हमारे सारे बीज जो है वो मेरे हाथ में आ जाते हैं। और अब हम इसको हटा देंगे। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। जी हाँ, हम कच्चा तेल ही इसमें डाल देंगे। और तेल आपको कितना डालना है कि आप देखिए कि आपकी भिंडी की सब्जी में कितना तेल डालने वाला है, तो उसका आधा तेल इसमें डालिए और आधा तेल पड़ेगा कढ़ाई में, ठीक है। तो आप देखिए इसमें थोड़ा सा तेल कैसे डालती हूँ बस, और बाकी का तेल इसमें डलेगा। और अब मैं अपने हाथों से इन भिंडियों को इस मसाले से अच्छे से कोट कर दूंगी, पूरा ये मिक्स हो जाएगा सारा मसाला इसमें भिंडी में। देखिए मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। और मुझे तो इसका टेस्ट भी याद आ गया, क्योंकि जब मैंने ये पहले बनाई थी भिंडी तो कैसी ये बनी थी वो उसका टेस्ट भी मुझे याद आ गया है। आप लोग जरूर एक बार ट्राई करिएगा। अगर आप लोग एक बार ट्राई करेंगे ना, फिर आप इसको भिंडी को बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये हमारा भिंडी जो है वो कढ़ाई में जाने के लिए रेडी हो गई है। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, हाथों को साफ कर लेती हूँ और उसके बाद कढ़ाई चढ़ा। कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल है, आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना तेल डाला है, बहुत ही थोड़ा सा ही तेल है। और इसके बाद में आप डलेगी इसमें, ये मैंने इतनी हींग ली है,
ये हींग डलेगी और डलेगी एक चम्मच अजवाइन। भिंडी में हम अजवाइन डालते हैं, इसको मैं क्रश करूंगी और ये अजवाइन इसमें और अब मैं इसमें ये पूरी भिंडी डाल देने वाली हूँ। ये देखिए क्या बात है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है हींग की, अजवाइन की। सारे मसाले हम इसमें डाल चुके हैं, अब हमें कुछ भी इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बस देंगे इसको ढक देंगे बस। ये लीजिए, और इसको हम करीब 5 मिनट पकाएंगे और 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि ये भिंडी। अच्छा, 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये भिंडी कैसी हो जाएगी। इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखिए भिंडी हमारी बढ़िया पक चुकी है और अब हम इसको ढकेंगे नहीं और खुला ही भुनेंगे। ये देखिए, पहले हमने इसको थोड़ी देर ढक कर पकाया, उसके बाद हम इसको खुला भून रहे हैं। हमारी सब्जी बनकर रेडी है, आप लोग देख सकते हैं। सारे मसाले जितने भी हमने कच्चे डाले थे सब भुनकर तैयार हैं। भिंडी पक चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ट्राई करिए आप लोग भी, और अगर पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कि मेरी नई रेसिपी जो भिंडी डिफरेंट टाइप से बनाई है वो आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए, कुछ ढलान थी यहाँ पर, कुछ थोड़ी सी कमी थी जिसको आज दोबारा से उतने एपेक्स निकाल कर ठीक किया जा रहा है। ये देखिए, उसे ढंग से रखे, वो देखो मोड़ रहा, ढंग से रख दो तुम्हारे, अभी दोबारा फिर तुम्हें काम में आएगा। यहाँ मसाला बनाया जा रहा है, इससे कुछ काम हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, ये पानी भर गया है, ज्यादा हो गया, हाँ कसले में पानी भरे। तुम इधर से ही आओगी, इधर से नहीं आओगी, इधर से आओगी, आगे से नहीं आओगी, अब ऐसे ही आओगी। क्या हो गया कुछ डस्ट वगैरह ना जाए। ये देखिए, ये आगे से आने की कोशिश कर रही थी तो मैंने इनकी सेल्फी में दिखा दिया है इनको। बता दो अपना नाम। नाम है सुखवती। सुखवती नाम है इनका, कहाँ की हो? पूरा कला की। पूरा कला से आई हैं और यहाँ पर रोड बनाने में मदद कर रही हैं, हमारी रोड बना रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, कीचड़ कीचड़ बरसात में हो जाता था, अब बढ़िया रोड बन गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सभी लोग रोड बनाने में मदद कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं ये रोड हमारी कितनी सुंदर लगने लगी है। और हाँ, ये गाड़ी फंस गई है नाली में गाइस, पूरी लेबर चली गई है वहाँ पे उसको निकालने के लिए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। पूरे जो सब यहाँ पे बना रहे थे, जो यहाँ पे थे सब पूरी लेबर हैं। हाँ, वो तो होता ही है, किसी की भी फंस जाए तो फिर निकाली जाती है।
अब ये गाड़ी फंसी है और ये निकालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको, हमारे घर में लगा हुआ है एक नींबू का पेड़ जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी इस समय उसमें इतना नींबू लगा हुआ है, इतना, और पक रहा है अपने आप से ही बहुत सारा नींबू, रोज दोनों टाइम गिर रहा है। तो मैं पूरा कलेक्ट करके रखती जा रही हूँ और मैं कितना खाऊं इसलिए मैं सबको बांट रही हूँ। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप लोग भी कमेंट्स करके बताइए, मैं आप लोगों को भी भिजवाऊंगी। और देखिए मैं दिखाती हूँ कि नींबू इस पेड़ में कितना है, ये देखिए, इसमें से आधे से ज्यादा पेड़ का नींबू जो है वो टूट चुका है, अब बहुत थोड़ा सा ही बचा है। अरे 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 क्या कर रहे ये आज हैप्पी नींबू तोड़ रहे हैं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है गुड। वो रख लेते हैप्पी, सीढ़ी रख लेते, हाँ सीढ़ी रख लो तो पूरे ऊपर तक पहुंच जाओगे तो सब गिरेंगे। ये देखिए गाइस हमारा जो पेड़ है ये आधे से ज्यादा तो बाउंड्री के पीछे चला गया है, वहां पर खाली प्लॉट है और बहुत सारे नींबू पीछे गिर जाते हैं, लेकिन अंदर जितने हैं पेड़ में वो ही इतने सारे बहुत हैं कि वही हमारे लिए सफिशिएंट है। सफिशिएंट क्या है कि बहुत जरूरत से भी ज्यादा है। ये देखिए अभी तो मैं भिजवा रही हूँ सबके यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े से तोड़ भी लिए जाएं, नहीं तो ये तो अपने आप ही गिरते हैं इतने कि इनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, पैकेट बनाए जा रहे हैं अलग अलग और फिर हैप्पी को भेज रहे हैं। हैप्पी जा रहे हैं मामा के यहाँ, दादी के यहाँ, चाची के यहाँ, के सबके यहाँ ये देने के लिए नींबू। मैं कितना खाऊं, अभी आप लोगों को भी भिजवाऊंगी। ये देखिए आप लोगों को नींबू पसंद है ना, अगर पसंद है तो बिल्कुल कमेंट्स करके यस लिखिए, मैं आपके घर में भिजवाऊंगी नींबू 100% पक्का प्रॉमिस।